कमल की महिमा कैसे करूं बखान, कुंडलपुर के हे बड़े बाबा मेरे हृदय जगा दो ज्ञान, 24 तीर्थंकर को पूजूं, पूजूं महावीर भगवान, नैमिनाथ की गाऊं गाथा, श्रोता सुनिए आनंद मान, भूल चूक जो भी हो जाए सो सब करना क्षमा प्रदान, बुंदेली में रच कर आला ये बेनाम करे गुणगान, बुंदेली में रच कर आला। सबकी करे सनात, एक समय गए कृष्ण की नगरी, राजसभा में पहुंचे आए, देश देश के आए राजा, जिनकी प्रशंसा कही न जाए, स्वागत करके नैमिनाथ का, कृष्ण गले से लिए लगाए, आसन पर बैठाया उनको, कुशल भलाई पूछी आए, एक दूजे की करे प्रशंसा, वंश में जन्मे आए, सुने सभासद बैठे सारे, श्री कृष्ण बोले हर्षाय, कितनी शक्ति है नैमिनाथ में, आज पता सबको चल जाए, शक्ति परीक्षा देने अपनी, आओ समर भूमि मैदान, मल्ल युद्ध की इस स्पर्धा में, कौन बड़ा होगा बलवान, सुन के कृष्ण चंद्र की बातें, नैमिनाथ बोले धर ध्यान, उत्तेजना युद्ध की तुमको, इतनी क्यों हो रही महान, उत्तेजना युद्ध की तुमको, नहीं करना चाहिए तकरार, मगर न माने श्री कृष्ण जी, लिया युद्ध का बना विचार, नैमिनाथ ने कहा कृष्ण से, मैं लड़ने को हूँ तैयार, अगर आप टेढ़ी उंगली को सीधी कर दीजिए एक बार, बिना लड़े ही सुनो आपसे, मैं जाऊंगा ने कर ली ना स्वीकार, सुनकर बातें नैमिनाथ की, नैमिनाथ ने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली नी, तत्काल सीधी करने लगे कृष्ण जी, सभा देखती सारा हाल, तीन लोक के करता धरता, आज हुए कैसे बेहाल, कर ना पाए उंगली सीधी, टूटा दिल का गर्व मलाल, उसी उंगली से उठा कृष्ण को, नील गगन में दिया घुमाए, नैमिनाथ की शक्ति देख कर सारे राजा गए हर्षाए, श्री कृष्ण के मुखमंडल पर देखो दासी गई है छाए, मगर प्रेम से नैमिनाथ से, कृष्ण बोले हर्षाय, मगर प्रेम से नैमिनाथ से, आज पता चल गया है सबको, नैमिनाथ सम नहीं कोई भी शक्ति
लगा है दिल में धीर, अपने अपने नगर गए सब। कृष्ण सोच में है गंभीर, आज हार से हुआ सामना। बिना तलवार चलाए तीर, इतनी शक्ति नैमिनाथ में। जिसका तोड़ कहां ना जाए, लगता है यह द्वारिका नगरी। कहीं हाथ से निकल न जाए, चैन पड़े ना श्री कृष्ण को। बात यहीं रह रह के खाए, ज्योतिष बुलवाने के वास्ते। पहरी को दिया हुक्म सुनाए, ज्योतिष बुलवाने के वास्ते। पहुंच गए महलों में, श्री कृष्ण ने कहा सुनाए, किस कारण प्रभु याद किए हो। सो सब बातें देव बताए, ज्योतिष की बातें सुन करके। श्री कृष्ण बोले हर्षाए, पहले देखिए राजकाज में। क्या कोई संकट रहा मंडराए, जो विच्छेद करवा दे राज से। शगुन समझ कर दो बतलाए, पत्रा देख करके ज्योतिष ने। और कृष्ण से कहा सुनाए, प्रबल शक्तिशाली शत्रु का। दीना सारा हाल बताए, प्रबल शक्तिशाली शत्रु का। कृष्ण भगवान कहीं पत्रिका की गणना में, तुमसे भूल भई तो ना। इस पर जवाब दिया ज्योतिष ने, हम कोई खड़िया पलटन ना, पेट पालने करे खुशामद। झूठी प्रशंसा कहीं न जाए, सुनकर ज्योतिष की बातों को। कृष्ण रहे मन में मुस्काए, कहने लागे सुनो पंडित जी। शंखा एक जगी है जाज, नैमिनाथ क्या इस भूमि पर। करना चाह रहे हैं राज, नैमिनाथ क्या इस भूमि पर। ध्यान देख कुंडली नैमिनाथ की, ज्योतिष हसे खूब दिल खोल, पत्रा की गणना से निकले। सुंदर मीठे शब्द अमोल, हसी देख घबराए कन्हैया। और ज्योतिष से कहा सुनाए, जल्दी बतलाओ पंडित जी। अब दिल धीरज धरता नाए, हाथ जोड़ करके विप्रों ने। मनमोहन से करी पुकार, तीन लोक और चौदह भुवन में। हो नेमी की जय जयकार, तीन लोक और चौदह भुवन में। सुनिए नंद बाबा के लाल, जन्म काल से नैमिनाथ का। शुरू हुआ है शासन काल, अभी चक्रवर्ती राजों का। नैमी तोड़ेंगे अभिमान, अधिपति बनकर इंद्रपुरी के। सारे जग का कर कल्याण, अधिपति बनकर इंद्रपुरी के।
लगा होगा ध्यान उनके कारण किसी प्राणी की प्रथा चली जाए जो जान नैमी उसी समय तज करके वन को कर देंगे प्रस्थान सुन के कुंडली नैमी नाथ की कृष्ण गए मन में हर्षाय धन्य धन्य है मात पिता को जो यदुकुल में जन्मे आए नैमी नाथ की जो यश गाथा सुनता मन में चित्त लगाए मोक्ष गति इति पावे परम पद जीवन सार सफल हो जाए मोक्ष गति इति पावे परम पद जय शिव देवी लाल सतभामा और रुक्मणी रानी रही कृष्ण को रंग लगाए उसी समय श्री नैमी नाथ जी रंग महल में पहुंचे आए मार दई भर के पिचकारी सारा अंग रंगा है जाए सतभामा रुक्मणी ने मिलकर हंस हंस रंग लगाए आए सतभामा रुक्मणी ने मिलकर विश्वास पंच जन्य हो शंख हाथ में शैया शेष नाग की भाई उनके चरणों में सतभामा शत शत अपना शीश झुकाए सतभामा की सुनकर वाणी नैमीनाथ बोले भगवान भाभी बनता पतन का कारण जो करता जग में अभिमान जिस शक्ति पर गर्व है इतना अब तक करी न छान आओ महाशक्ति से आपकी करवा देते हैं पहचान आओ महाशक्ति से आपकी
उठनी सुनो लगा कर नाप, देखत चकत भई सत भामा। झुका लई है अपनी आँख शेष नाग की ये शैया पर, अब तक लेटे रहे नरान उसके ऊपर कूद रहे हैं। नैनीनाथ सुनिए भगवान, उसी समय पर कृष्ण चंद्र जी पहुंच गए। सुनिए तत्काल नैनीनाथ का क्रोध देखकर, मुंह से कहा जाए ना हाल, नैनीनाथ का क्रोध देखकर। अपने संग लेवाए बलदाऊ जी कहे कृष्ण से, हमको चिंता रही सताए ऐसा लगता कहीं हाथ से। राजपाटिए निकल न जाए ऐसा लगता कहीं हाथ से। सुंदर
चल दे जय जयकार बलदाऊ श्री कृष्ण साथ में। प्रदुमन बेटा राजकुमार जूनागढ़ की ओर चले हैं, अपने सुंदर बना विचार कुछ ही समय के अब अरसे में। जूनागढ़ के पहुंचे द्वार महल अटारी से देखन को, जुड़े नगर के नर और नार वाला मेरे साथ। शर्म हया से राजमती ने मुख पर ढाक लिया है हाथ, जो सपने देखे थे अब तक होने वाले आज सनात। हाथ जोड़कर उग्रसेन जी सबका कर रहे हैं सम्मान, जूनागढ़ के राजमहल में छाए हैं आनंद महान। जूनागढ़ के राजमहल में लगेगा मेरे नाम। मेरे एक विवाह की खातिर पशुओं का होगा संहार, उनके मांस को मेरे बराती खाएंगे सब पंगत डार। यह विवाह मुझको नहीं करना, सह न सकूं मैं पाप का भार। हत्यारा बनकर जीवन में कैसे सुखी रहे परिवार, हत्यारा बनकर जीवन में।
सुख में जैसे जी
सब त्याग जौन तरफ को गए थे नैमी। राजुल चलती करत पुकार नैमी नाथ को रोक लिया है। पहुंच न पाए थे गिरिनाथ ठहरो ठहरो नाथ पुकारी। कहां जा रहे हो भरतार इस दासी से बदल के रास्ता। आप जा रहे किसके द्वार इस दासी से बदल के रास्ता। मझदार द्वार खड़ी बारात छोड़कर बन को आप किए प्रस्थान पर मेरा क्या होगा स्वामी। बतला दीजिए कृपा निधान राजुल की सुन कर के बातें। नैमिनाथ बोले धर ध्यान कोई किसी का नहीं जगत में। राजुल सुनो लगा कर कान कोई किसी का नहीं जगत में। दिगंबर लिया बनाए सुन के बातें नैमिनाथ की। राजुल बोली आस लगाए सुन के बातें नैमिनाथ की। योग दीक्षा लेनी ही थी पहले क्यों नहीं ले ली नाथ। ला बरात द्वारे पे छुड़ा कर जाते हाथ इस दासी को साथ में रख लो। जीवन मेरा सफल हो जाए साधक बनकर करूं साधना। चरणों में दिन देऊ बिताए नैमिनाथ राजुल से बोले। अरिहंतों का ध्यान लगाए मोक्ष परम पद पाने राजुल। मेरे मन में गई समाए अब ना रुकू किसी के रोके। पर तेरी करे सहाय मोह पाश बंधन में न डालो। पूर्ण मनोरथ होगा नाए मोह पाश बंधन में न डालो। पर एक करें उपकार पद चिन्हों पर चलूं आपके। मुझको शिष्य कर स्वीकार दीक्षित कर दो मुझको भगवन। मेरा हो जाए उद्धार नैमिनाथ ने देके दीक्षा की। जिनवर की जय जयकार रहत कठौंदा और कटंगा। ये बेनाम करे गुणगान जो भी भूल हुई हो मुझसे।